तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो हम आ गए हमारे कुछ, हमने क्वेश्चन देखे थे, हमने बहुत सारे टेस्ट देखे थे पिछले वाले वीडियो में, लेकिन अब हमें क्या मैच चालू करना है। ठीक है, तो हम चालू करते हैं हमारा किससे, क्वेश्चन नंबर 22 से और इस वीडियो के पहले क्वेश्चन थे। तो चलो फिर देखते हैं हम। देखो अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन ऑप्शन को ना ही देख के तुम्हें तुरंत पता चल जाना चाहिए कि एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन हम किस किस मेथड से करते हैं। एक डुमास मेथड से करते हैं, एक जेल्डर मेथड से करते हैं, ये तो तुम्हें पता है ना। ठीक है, देखो अब सबसे पहला तुम्हें क्या दिया है, डुमास मेथड, तो उसके बारे में तुम्हें बताना है। चलो वो देखते हैं हम, होता क्या एपरेटस। देखो सबसे पहले तो ये होता है तुम्हारा एपरेटस। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसमें क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको हम, ठीक है, क्या करते हैं, उसको हम हीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CuO, कॉपर के ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर के ऑक्साइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिख रहा हूं। ठीक है, अब क्या होता है कि तुमने जब ऑक्सीडाइज कराया इन दी प्रेजेंस, किस किस को लेके, तुम ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, इतना समझ गए। तो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड CH मान लो कुछ भी है, CH और N है प्रेजेंट है, तो कार्बन क्या हो जाएगा, CO2 में बदल जाएगा। ठीक है, और वाटर का जब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा तो वो H2O हो जाएगा, और जब यहां पे जब नाइट्रोजन का होता है तो वो N2 गैस बना के वो बाहर हो जाता है। इतना समझ गए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि ऑक्साइड क्यों नहीं बनाए। तो हाँ सही क्वेश्चन है तुम्हारा कि ये कुछ कुछ नाइट्रोजन जो है वो अपने क्या बनाते हैं, ऑक्साइड भी बनाते हैं। अगर तुम्हारे ऑक्साइड बन रहे हैं तो इसका भी है हमारे पास, क्योंकि हमें नाइट्रोजन कितना चाहिए, पूरा बताना है ना। ठीक है, तो हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते कि थोड़ी से नाइट्रोजन मिल गए हम छोड़ दें, ऐसे नहीं कर सकते ना। तो नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड भी मिलते हैं तो हम उनको वापस से कॉपर के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं उसकी प्रेजेंस में, कॉपर के ऑक्साइड के, और हमें फिर से मिल जाता है N2 वापस। ठीक है, अब N2 जो वापस मिलता है हम उसको कहां पे ले लेते हैं, एक्वा सॉल्यूशन पे लेते हैं हम। ठीक है, तो वहां पे तुम्हारा जो प्रेशर लगता है, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है फिर, समझ गए, किसको, हम उसको एक्वा टेंशन बोलते हैं। ये तुम लोग को आगे आएगा, ये न्यूमेरिकल में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे होता है तुम्हारा एस्टिमेशन ऑफ N2, इतना समझ गए ना। ठीक है, तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है हम वो देखते हैं कि वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो, अब देखो हमने इसकी ही बात करी कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जब हम उसको इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, हमने इसके बात करी। अब एक बात मैं तुमसे अगर पूछता हूं कि वन मोल ऑफ गैस के अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, गैस के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, या फिर किसी भी गैस के हम मान लो ऑक्सीजन की बात करें तो कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो तुम जल्दी से बता देते हो क्या, 6.022 × 10⁻³, तुरंत बता देते हो। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं एट एनटीपी वॉल्यूम क्या होगा, तो तुम क्या कहते हो, 22.4 लीटर भाई वॉल्यूम होगा, इतना कहते हो तुम। ठीक है, हमें याद रखें किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की, उसको हम कहां पे ले रहे हैं, उसको हम वाटर पे, एक्वस पे क्या करते हैं, उसको पास कराते हैं ना N2 को, तो हम कहां पे बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात आएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, इतना समझ गए। तो देखो अब जो N2 है, ठीक है, N2 का वेट कितना है, 28 ग्राम, ठीक है, के अंदर, ठीक है, उसका कितना होगा, 22.4 लीटर ऐसे प्रेजेंट होगा एट NTP, नाइट्रोजन ऐसे ही प्रेजेंट होगी एट NTP, उसका जो वॉल्यूम होगा 28 ग्राम जो नाइट्रोजन है वो किस पे प्रेजेंट होगी, 22.4 लीटर एट NTP पे प्रेजेंट होगी, इतने वॉल्यूम पे तुम्हारी गैस प्रेजेंट होगी, समझ गए, इतना समझ गए। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा, 22400 ml एट NTP, यही आएगा। ठीक है, देखो ये हो गया तुम्हारा 28 ग्राम, ठीक है, इतने पे वो प्रेजेंट है, इतना समझ गया हो ना। ठीक है, देखो अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं एट वॉल्यूम v2,
ठीक है, इसमें कितना ग्राम प्रेजेंट होगा, तो मैंने एम ग्राम पूछा तुमसे, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे कि एम इज इक्वल टू कितना होगा, यहां पे जाएगा 28 बाय 22400, ठीक है, इनटू तुम्हारा V2, यही आएगा तुम्हारा, ठीक है। मैंने तुमसे क्या पूछा कि एट V2 वॉल्यूम, ठीक है, एट V2 कहां से आया, V2 भी बताएंगे, ठीक है, एट V2 वॉल्यूम तुम्हारा कितने ग्राम जो N2 है प्रेजेंट होगी, तो तुमने क्या आया, तुम्हारा M इज इक्वल टू 28 बाय 22400 ग्राम, इतना समझ गया हो ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक एक्सप्रेशन बनता है। अब उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, तो देखो अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं, ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन बना था ना कि W ग्राम, ठीक है, या फिर ये ग्राम W ग्राम ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कितना N2 प्रेजेंट होगा, तो यही होगा 28 अपॉन 22400 इंटू V2, किसमें पूछ रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा mg, अगर मैं तुमसे मिलीग्राम में पूछता हूं, तो इतना समझ गया ना, ठीक। तो अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं आपकी 100 ग्राम ऑफ, ये ग्राम है ना, 100 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कितना प्रेजेंट होगा भाई, अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये हमारा हो गया कि आप W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस में पूछ रहा हूं मैं, तो कितना मास प्रेजेंट होगा तुम्हारा, इतना प्रेजेंट होगा, अभी हमने देखा था। अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि 100 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कितना प्रेजेंट होगा, तो वो होगा, ठीक, देखो ये क्या जाएगा तुम्हारा, यहां से तुमने निकालोगे तो जो जाएगा 28 बाय 22400 इंटू V2, जो हमारा V2 प्रेजेंट है, V2 बताएंगे, ठीक है, V2 इंटू ये W, ठीक है, यह जाएगा W और यह जाएगा 100, ऐसे ही आएगा तुम्हारा एक्सप्रेशन, क्रॉस ही तो करना है, ठीक है, या इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे लेके आओ, तो तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो तुम इससे निकाल सकते हो, उसको तुम कर लो एकदम सिंपल फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, 28 224 इंटू V2, ठीक है, ये इससे ये कैंसिल हो गए, और ये W, तो इससे निकलेगा तुम्हारा क्या, जितना भी नाइट्रोजन का वॉल्यूम प्रेजेंट है तुम्हारा, वो इससे निकल आएगा, और V2 क्या है तुम्हारा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, W क्या है तुम्हारा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का वेट, इतना समझ गया हो, ठीक है। अब देखो ये V2 हमने इतना देखा, ये होता क्या है, देखो तो देखो V2 की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी, V2 की वैल्यू होती है ये, ठीक है। तो हमने क्या बोला था तुमसे कि P क्या होता है तुम्हारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और स्मॉल P है ये क्या है तुम्हारा, एक्वस टेंशन, जो तुम्हें गिवन होता है न्यूमेरिकल्स वगैरह में, ठीक है। तो V2 की वैल्यू, तो अगर तुम यहां पे पुट करोगे तो तुम्हें परसेंटेज क्या मिलेगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन तुम्हें वहां से मिल जाता है, इतना समझ गया, ठीक है। तो देखो ये होता है V1 क्या है तुम्हारा, जो तुम जिस वॉल्यूम पे जो चेंज हो रहा है वॉल्यूम, वो वाला, और 273 क्या है, देखो याद करो हम किस पे निकाल रहे थे, एट NTP पे, ठीक है। तो T क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा टेम्परेचर, प्रेशर कितना है तुम्हारा, 760 mmHg, यहां पे देखो जरा, यहां पे तुम्हारा क्या लगा रहता है, नाइट्रोमीटर लगा रहता है, वहां से तुम प्रेशर नाप सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा mmHg, समझ गए इतना, ठीक है। ये क्या है, T plus 273, जो टेम्परेचर में तुम्हारा चेंज आ रहा है, जब तुम्हारी जो गैस आई है तो कुछ तो टेम्परेचर में चेंज आया ही होगा ना, तो वो क्या है तुम्हारा, T plus 273, इतना समझ गए, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा V2, और इसको जब तुम इसमें पुट करते हो, किसमें, ये वाले इसमें फॉर्मूले में, तो तुम्हें क्या मिल जाता है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, इतना समझ गए। तो ये था तुम्हारा कौन सा, डुमास मेथड, ठीक, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, डिफ्रेंशिएट करना था, इतना भी जरूरी नहीं, लेकिन क्या है तुम्हारा फॉर्मूला तुम याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल में ही पूछा जाता है। अब हम देखते हैं जेलडाल मेथड, देखो वो क्या है, देखो अब जेलडाल मेथड क्या होती है, हम देखेंगे सबसे पहले क्या एपोटेस के क्वेश्चन, तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। देखो अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर अब तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसमें क्या होता है तुम्हारा, जेलडाल फ्लास्क होता है, और तुम्हें सबसे पहले जेलडाल मिक्सचर बनाना पड़ता है, वो क्या होता है, देखो कि जब तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है, क्या होगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए तुम्हारा, नाइट्रोजन तो होना ही चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है, जब उसको तुम रिएक्ट कराते हो किसके में, H2SO4 में, वो भी कंसेंट्रेटेड है, और किसके प्रेजेंस में, CuSO4 की, तो अब देखो होता क्या है कि यहां पे क्या होगा, बाकी का सबका सेम डुमास जैसा ही होगा कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कार्बन बदल जाएगा CO2 में, H जो है हाइड्रोजन जो होगा वो H2O में बदल जाएगा, लेकिन अब यहां पे देखना नाइट्रोजन का क्या होता है,
नाइट्रोजन जब रिएक्ट करता है किसके साथ, H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है ना, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो तुम्हारा क्या है नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जब वो रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, अमोनियम सल्फेट बनाता है। इतना समझ गए, ठीक है, तो यहां तक तो ये हो जाता है तुम्हारा अमोनियम सल्फेट बन गया। अब क्या होता है जब इसको तुम फर्दर रिएक्ट कराते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, जो कि क्या है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ठीक है, NaOH जब होता है तो यहां पे बन जाता है तुम्हारा अमोनिया, यहां क्या मिलता है तुम्हें अमोनिया। तो देखो यहां पे क्या बना तुम्हारा NH4SO4 क्या मिला तुम्हारा अमोनियम सल्फेट बना। जब अमोनियम सल्फेट को तुम वापस कराते हो किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है, किस में करा रहे हैं हम, जलदार फ्लास्क के अंदर करा रहे हैं, ठीक है। तो जब तुम इसको कराते हो तो यहां से क्या होता है, यहां से जो एक गैस है, कौन सी गैस है वो NH3 अमोनिया गैस है, वो निकल के आती है, ठीक है। लेकिन बात कहां पे आई, हम नाइट्रोजन की बात कर रहे थे, यहां तो कन्वर्जन ही देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जितना भी ऑर्गेनिक के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा वो सबसे पहले यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, अमोनियम सल्फेट में। जब अमोनियम सल्फेट को तुम किस में रिएक्ट कराओगे, NaOH में, तो पूरा का पूरा नाइट्रोजन किस में बदल जाएगा, अमोनिया गैस में, NH3 में। इतना समझ गए, अब हमें नाइट्रोजन चाहिए था, यहां पे तो हाइड्रोजन भी आ रहा है, तो क्या करते हैं कि इसको जब हम कंडेंस करते हैं वापस तो नीचे क्या रहता है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम मतलब कि जिसकी तुम्हें वॉल्यूम पता हो, क्या तो तुम्हें जो मेजर हो, ठीक है, पूरा का जो वैल्यू है ना कि 2 नॉर्मल है कि 3 नॉर्मल है, वो तुम्हें स्टैंडर्ड एसिड प्रेजेंट रहता है नीचे। इतना समझ गए ना, नोन वॉल्यूम मतलब नोन सैंपल ऑफ कोई भी एसिड, H2SO4 यूज करते हैं इसमें हम, किसकी, H2SO4 प्रेजेंट रहता है इधर, ठीक है। तो अब इसका क्या काम, ठीक है, चलो वो देखते हैं। देखो ठीक हो, यहां पे हमने क्या यूज किया है, वॉल्यूम किसका, किसी भी एसिड का। अब बात ये आती है, जितना वॉल्यूम तुमने पहले लिया था, ठीक है, V1 मान लो तुमने क्या लिया, इनिशियल वॉल्यूम लिया है, इतना समझ गया, इनिशियल वॉल्यूम। और V2 तुम्हारा आया फाइनल वॉल्यूम। अब ये क्या, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल वॉल्यूम मतलब कि तुमने जो सबसे पहले लेके रखा था जब कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, अब जब गैस आएगी, इसका नेचर पता है तुम्हें, ठीक है, NaOH प्लस क्या आ रहा है तुम्हारा, NH3, जिसने NaOH ने बदला है, NH3 आ रहा है तुम्हारा, NH3 क्या है, तुम्हारी बेस है, ठीक है। तो यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना तुम्हें क्या लगा, कितना तुम्हें एसिड लगा, उसका जो वॉल्यूम वो लेंगे हम, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर मैं वॉल्यूम चेंज निकालूं V1 माइनस V2 करके, तो मेरा क्या आएगा, जरा इसका आंसर बताओगे। देखो इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम अगर मैं कर दूंगा तो हमारा क्या आएगा, एसिड जो कंज्यूम हो चुका है उसके अंदर, समझ रहे हो। मान लो देखो यहां पे ये जो फ्लास्क है ना, यहां पे मैं बना रहा हूं ऐसा, ठीक है, ये मान लो कोई फ्लास्क है, यहां पे क्या आ रहा है तुम्हारा, अमोनिया आ रहा है जो कि बेसिक नेचर का है, क्या है तुम्हारा, बेसिक नेचर का। यहां पे तुम्हारे क्या प्रेजेंट है, H2SO4, तो इन दोनों के बीच में कौन सी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। न्यूट्रलाइज कब होगा, जब वो अमाउंट, कौन सा अमाउंट, जो अमोनिया का अमाउंट है और जो किसका अमाउंट है, एसिड का अमाउंट है, इक्विवेलेंट ना हो जाए, तब जाके क्या होगा तुम्हारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। मतलब कि अगर ये 5 ml आ रहा है तो तुम्हें उतना ही तो ml लगेगा ना एसिड का इसको न्यूट्रलाइज करने में, तो उससे तुम्हें क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम, उससे तुम्हें क्या पता चला, वॉल्यूम पता चल गया ना कि भाई इतना वॉल्यूम इसका आ रहा है, समझ गया ना। चलो अब देखो इसका फॉर्मूला होता है कैसे बनाता है वो हम, चलो वो देखते हैं। अब देखो आप क्या करेंगे, मैं तुमसे पूछता हूं कि वॉल्यूम हमने देख लिया, वॉल्यूम चेंज V1 माइनस V2, ठीक है। तो मैं तुमसे बोल सकता हूं कि V इज इक्वल टू मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, कि अमाउंट ऑफ क्या है तुम्हारा, बेस इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट ऑफ एसिड, मतलब कि जितना तुम्हारा बचा है न्यूट्रलाइज करने के लिए, इक्विवेलेंट होते हैं ना, जैसे अगर न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होती है वो इक्वल होती है, कि 5 अगर लिया ml तो 5 ml ही क्या करेगा, 5 ml अगर तुमने बेस लिया है तो 5 ml एसिड ही उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो मैं तुम बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो देखो अगर मैं तो अज्यूम करते हैं अपन कि 1000 ml ऑफ NH3 सॉल्यूशन के अंदर क्या है, 17 ग्राम
अमोनिया प्रेजेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? 1000 ml ऑफ NH3 सॉल्यूशन अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर 17 ग्राम क्या होगा तुम्हारा? अमोनिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूं हमारे मतलब किससे? सिर्फ नाइट्रोजन से मतलब है। ठीक है, तो नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर कितना प्रेजेंट होगा? 14 ग्राम। ठीक है, अब तो तुम लगा पा रहे हो ना दिमाग, क्या होता है नाइट्रोजन में 14 + 3 ये आता है तुम्हारा 17 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही तो ना आता है ना, इसका मास क्या है? मास तो निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या आ गया तुम्हारा? 1000 ml ऑफ NH3 सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रोजन कितना आ गया तुम्हारा? 14 ग्राम। ठीक है, कंटेन्स 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इतना समझ गए हो? इतना समझ गए? ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, तो मास ऑफ VML ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा जरा बताओ? VML ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 14 अपॉन, ठीक है, ये क्या तुम्हारा VML? 14 अपॉन 1000, ठीक है, इंटू वी, ये हो जाएगा। हम क्या निकाल रहे हैं? VML। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है? सिर्फ क्रॉस तो करनी है। तो मास ऑफ VML ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा तुम्हारा? 14 अपॉन 1000 × V। इतना समझ गए? ठीक है, तो हमने क्या निकाला? मास ऑफ N2 एट VML, मतलब मास ऑफ N2 एट VML। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि इसमें वन नॉर्मल सॉल्यूशन, मतलब क्या नॉर्मलिटी की बात आ गई इधर, वन नॉर्मल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NH3 कितना जाएगा? ये 14 अपॉन 1000 × V × N। देखो भाई क्या क्या हो गया यहाँ पे। सबसे पहले क्या लिया हमने? 1000 ml ऑफ NH3 सॉल्यूशन अगर है तुम्हारे पास, ठीक है, समझ गए, और उसके अंदर कितना प्रेजेंट होगा अमोनिया? 17 ग्राम। लेकिन हमें अमोनिया नहीं चाहिए, हमें नाइट्रोजन चाहिए, तो हम क्या हटा देंगे? मास ऑफ हाइड्रोजन हटा देंगे हम, कितना जाएगा तुम्हारा? 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा फिर। ठीक, तो हमें नाइट्रोजन से ही तो मतलब था, तो हम किस में निकालना है? वॉल्यूम में निकाला, तो द मास ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, द फिर मास ऑफ VML ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 14 अपॉन 1000 × V। ठीक है, यही हो जाएगा तुम्हारा, तो ये आ गया हमारा। अब हम कैसे निकालेंगे? हम नॉर्मेलिटी से निकालेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी अलग अलग होगी ना, क्योंकि हमने उसमें एसिड में लिया था उसका, तो नॉर्मेलिटी में भी कुछ चेंज आया होगा। देखो अब कि द मास ऑफ N2 गैस, मास किसका जब VML पे निकाला हमने उसका, एट वन नॉर्मल सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा? 14 अपॉन 1000 × V × N, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा मास, इतना समझ गए। अब सुनो किसकी बात चल रही है यहां पे? ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर डब्ल्यू ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक क्या है तुम्हारा? सब्सटेंस है, सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उसके अंदर कितने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है? तो वो है 14 अपॉन 1000 × V × N ग्राम ऑफ क्या है तुम्हारा? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इतना समझ गए? अब हम परसेंटेज में निकालते हैं, तो बस लगा दो। तो ये बताओ 100 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कितने ग्राम ऑफ तुम्हारी प्रेजेंट होगी नाइट्रोजन गैस? वो होगी 14 अपॉन 1000, ये W है, ठीक है, × V/W, ये क्रॉस ही तो आना है, × N, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, × 100, तो ये बनेगा तुम्हारा एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो बात फिर से यहां पे देख लो, अब रिपीट कि W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जो कि हमें निकालना है वही तो निकालना है। ठीक है, तो हमारा मास कितना है? ये आया, तो मास ऑफ नाइट्रोजन इतना ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसमें निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। तो 100 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कितना होगा? 14 अपॉन 1000 × V/W, W यहां से आया तुम्हारा, W क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस का वेट। ठीक है, तो ये क्या आया तुम्हारा? इसको जब तुम सिंप्लीफाई करके लिखोगे, 0 से 0 कैंसिल, 1.4 × V/N/W। तो इस एक्सप्रेशन से तुम क्या निकालते हो जलढाल मेथड में, इस एक्सप्रेशन से तुम क्या निकालते हो कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है। इतना समझ गए? ठीक है, देखो एक बार अपना स्टेटमेंट क्या कहता है, देखो क्या होता तुम्हारा, इट इज डन बाय एस्टिमेटिंग अनरिएक्टेड सल्फ्यूरिक एसिड लेफ्ट, जो बच गया है वो, ठीक है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया बाय टाइट्रेटिंग विद स्टैंडर्ड अल्कली सॉल्यूशन।
सिर्फ इतने ही लाइन से तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये किस कब ये एस्टिमेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, अनरिएक्टेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, जो रिएक्ट नहीं कर रहा है, मतलब जो बच गया है, समझ गया, जो कंज्यूम हुआ और जो बच गया, ठीक है। तो उसको अपन ने माइनस करके देखा, वॉल्यूम चेंज आया, ठीक है। बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया यहाँ से गैस इवॉल्व हुई थी, ठीक है। विथ क्या तुम्हारा, हमने टाइट्रेशन किसके साथ करा था, हमने NaOH के साथ भी तो कराया था, ठीक है। तो ये क्या जाता है हमारे स्टैंडर्ड अल्कली सॉल्यूशन से, इतना समझ गए। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या बना था लास्ट में, कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकलेगा, 1.4 इंटू वी इंटू एन अपॉन डब्ल्यू, तो ये ऐसे आएगा तुम्हारा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, इतना समझ गए, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो अब क्या तुम्हारा, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन सल्फर एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसको हम इतने अच्छे से करेंगे कि तुम्हें दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, रटना नहीं है, लेकिन बस मस्ती से पढ़ेंगे इस वाले को, ठीक है। देखो हैलोजन को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेशन कैसे होता है इसका, हैलोजन का, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मेथड कौन सी होती है, कैरियस मेथड, ठीक है। इसको हम किस में कहते हैं, कैरियस मेथड, ठीक है। इस मेथड में होती है, सबसे पहले तो एक चीज जान लो, कैरियस एक ट्यूब होती है, ठीक है, इग्निशन ट्यूब होती है, ठीक। अब सुनो कि एक नोन अमाउंट ऑफ, किसकी बात कर रहा है वो, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इतने सारे प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका जो वेट है वो नोन होता है, ठीक है, नोन वेट होता है, जिसका वेट हमें क्या पता है, इसका वेट हमें पता होता है, इतना समझ गया, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हीट करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एच एन ओ थ्री और AgNO3 की, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, यहां पर जो भी कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन और हम क्या देख रहे हैं अभी, हैलोजन, ठीक है। तो ऐसे प्रेजेंट होगा, तो जो कार्बन है वो बना देता है CO2, बाकी ये वाला तुम्हें पता है CO2 क्या बनता है, हाइड्रोजन का H2O, और बाकी जो तुम्हारा हैलोजन बचता है वो बनाता है क्या, सिल्वर हैलाइड, क्या बनाता है तुम्हारा, सिल्वर हैलाइड, इतना समझ गए, ठीक है। तो इस सिल्वर हैलाइड पे आके हम रुक जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है तुम्हारा, सिल्वर कलर का सॉल्यूशन देता है, सिल्वर जैसे हो जाता है तुम्हारा, जो कलर है वो सिल्वर हो जाता है, जैसे उसका नाम जा रहा है, इतना समझ गए ना। तो यहां से जो तुम्हें सिल्वर हैलाइड मिला, यहां से हम एस्टिमेट करते हैं क्या, हैलोजन को, इतना समझ गया हो ना, अभी तक तो इतना समझ गए, बस इस प्रोसेस को ध्यान रखना। एक बार हम देखते हैं इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे बनता है ना, और फिर बाकी के भी देखते हैं। देखो अब देखो क्या बनता है तुम्हारा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस मान लो है तुम्हारा W, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तुम्हारा W, ठीक है। वेट ऑफ सिल्वर हैलाइड क्या है तुम्हारा, वो है मान लो M, ठीक है, वेट ऑफ सिल्वर हैलाइड तुम्हारा M है, और हैलोजन का वेट कितना है तुम्हारा, हैलोजन का मास कितना है, मास ऑफ हैलोजन वो है तुम्हारा x, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही तुम्हारा हैलोजन प्रेजेंट है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है तुम्हारा सिल्वर हैलाइड से तुम एस्टिमेट कर रहे हो, मतलब इसका वेट कितना हो जाएगा, सिल्वर का वेट तुम्हें पता है तो वो कितना हो जाएगा, 108 प्लस x, क्योंकि हमें हैलोजन का नहीं पता और हैलोजन को हमने क्या लिया, x लिया है, तो 108 प्लस x। और अब एक चीज और कि 108 प्लस x मतलब कि मास ऑफ सिल्वर हैलाइड ही तो कंटेन कर रहा है तुम्हारा क्या, हैलोजन, ठीक है। तो 108x कंटेन्स x ग्राम ऑफ हैलोजन, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, कि देखो यहीं से एस्टिमेट करना है हमें, यहीं से निकालना है। तो जो तुम्हारा सिल्वर हैलाइड लास्ट में बना, ठीक है, जो तुम्हारा लास्ट में बन रहा है तो वही तो हैलोजन रखा है ना, तो ठीक है, 108 प्लस x कंटेन्स कितना, x ग्राम ऑफ हैलोजन, यहां पे लिख लो ऑफ हैलोजन, इतना समझ गए, ठीक है। तो m ग्राम ऑफ सिल्वर हैलाइड के अंदर कितने ग्राम ऑफ क्या होगा तुम्हारा, हैलोजन होगा, 1 x अपॉन 8, 108 प्लस x, यही होगा, इतना समझ गए, m ग्राम है तो इनटू m हो जाएगा बस, इतना समझ गया हो ना, ठीक है, कि 108x प्लस इतना कंटेन्स कर रहा है, मतलब कि AgX के अंदर x ग्राम हैलोजन प्रेजेंट है, इतना समझ गया, AgX के अंदर x ग्राम हैलोजन प्रेजेंट है ना। तो भाई m ग्राम ऑफ AgX के अंदर कितना होगा, x बाय 108 प्लस x इंटू m,
इतना समझ में आ गया अभी तक? ठीक है, तो देखो, तो भाई यहां पे अब बात आती है किसकी, देखो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना, तुम्हारा डब्ल्यू ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कितना प्रेजेंट होगा, यही होगा x अपॉन 108 प्लस x इंटू एम, है ना? ठीक, तो फिर 100 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कितना प्रेजेंट होगा, जैसे हमने पहले निकाला था, वो कैसे आ गया तुम्हारा x अपॉन 108 प्लस x इंटू एम बाय डब्ल्यू इंटू 100, यही होगा। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक, समझ पाए कि नहीं समझे? देखो भाई, हुआ क्या क्या है, तुमने अपने सपोज किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट क्या है, डब्ल्यू, समझ गए? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कर रहे थे, जला रहे थे HNO3 के प्रेजेंस में, उसका वेट क्या तुम्हारा, डब्ल्यू। ऑर्गेनिक कंपाउंड जला, उसने क्या बनाया, सिल्वर हैलाइड, सिल्वर हैलाइड का वेट क्या तुम्हारा, 108 प्लस एक्स, ये तो समझ गया, एक्स कहां से आया, क्योंकि हैलोजन का वेट है, इतना क्लियर। ठीक है, उसके बाद मैंने तुमसे पूछा कि हमने ये, हमें ये पता है कि हैलाइड कहां पे प्रेजेंट है तुम्हारा, कहां से तुम्हें मिलेगा, सिल्वर हैलाइड से। तो हमने देखा कि इतने ग्राम और सिल्वर हैलाइड प्रेजेंट है, ठीक है, तो 108 ग्राम कंटेन क्या करेगा, एक्स ग्राम ऑफ हैलोजन करेगा। ठीक है, उसके बाद मैं तुमसे पूछता हूं कि एम ग्राम ऑफ एजेस कितना करेगा, मतलब मैं नॉर्मली पूछना चाह रहा हूँ कि एक ग्राम कितना करेगा। ठीक है, तो कितना करेगा वो, x बाय 108 इंटू प्लस एक्स इंटू एम, इतना करेगा। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछा कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कितना प्रेजेंट होगा, जितना तुम्हारा ये आया है, ठीक है, यही आएगा x बाय 108 प्लस एक्स इंटू एम। ठीक है, तो अब अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि 1000 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितना प्रेजेंट होगा, तो इंटू 1000 कर दोगे तुम, ठीक है, इंटू 1000 कर दोगे, और डब्ल्यू को तुम क्या कहां पे लेके जाओगे, अपॉन में लेके जाओगे। ठीक है, देखो फाइनल एक्सप्रेशन क्या है हमारा, देखो परसेंटेज हमारा क्या है, x बाय 108 प्लस x, यही आया, ठीक है, 108 प्लस x इंटू एम अपॉन डब्ल्यू, है ना, इंटू 100, यही आया तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन। अब मैं इसको थोड़ा ओपन लिख करके लिख रहा हूं, x क्या था तुम्हारा, x था तुम्हारा मास ऑफ, मास या फिर वेट, मास ऑफ हैलोजन कितना है, ठीक है, अपॉन ये क्या तुम्हारा 108 प्लस x, ठीक है, इनटू, अब बस m क्या था तुम्हारा, वेट ऑफ क्या है तुम्हारा, AgX अपॉन w क्या था, वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये था तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है, बाकी सारे में जैसे सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सब कॉमन रहेगा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और जो तुम्हारा लास्ट एक्सप्रेशन बन रहा है वो आएगा तुम्हारा। ठीक है, इतना समझ गए? और जो मास ऑफ हैलोजन है, अगर तुम बात करते हो क्लोरीन की, ठीक है, तो मास तुम्हारा फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, तुम्हारा चेंज हो जाएगा 35.5 अपॉन, यहां पे क्या हो जाएगा, 108 प्लस 35.5, क्योंकि x क्या है हमारा, हैलोजन है, x हमने हैलोजन है, और हमने x इसलिए लिखा है क्योंकि हम पूरे हैलाइड के लिए कर रहे थे, अगर तुम पर्टिकुलर एक के लिए कर रहे हो जैसे क्लोरीन के लिए, तो तुम सीधा मास पुट कर दोगे इधर, और बाकी का पूरा सेम रहेगा, इतना समझ गया हो ना। ठीक है, देखो अब इसको मैंने जैसे बोला था कि तुम कभी भूल नहीं पाओगे उसको, कैसे नहीं भूल पाओगे, देखो तुम्हें याद क्या करना है, वो तो तुम्हारा कॉमन है कि मास वेट ऑफ तुम्हारा AgX, जो लास्ट एक्सप्रेशन है AgX आया जैसे उसमें, ठीक है, और अब देखो कैसे करोगे, हैलोजन, हैलोजन को क्या करा जा रहा है, जलाया जा रहा है, ठीक है, हीट करा जा रहा है, किसमें, अग्नि में, अग्नि मतलब AgNO3, ठीक है, किसमें करा जा रहा है, अग्नि में। देखो अब कैसे बोलोगे तुम इसको, हैलोजन को हीट करा जा रहा है अग्नि में, है ना, ठीक है, क्या करा जा रहा है, अग्नि में हीट करा जा रहा है, ठीक है, जिससे जलने पे तुम्हें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, ठीक है, CO2 मिलेगा, और तुम्हें वाटर, वाटर की प्रेजेंस में भी है, ठीक है, ये समझ लो, CO2 वाटर, और तुम्हें क्या मिल रहा है, सिल्वर हैलाइड। तो कैसे बोलोगे तुम इसको कि हैलोजन को जलाया जा रहा है अग्नि की प्रेजेंट में, है ना, ठीक है, तो तुम्हें क्या मिल रहा है, हल्दी, ठीक है, हैलोजन हम ज्यादातर क्या समझते हैं कि भाई येलो ही होगा, ठीक है, तुम्हें क्या मिल रही है, हल्दी मिल रही है, वो भी सिल्वर कलर की,
ठीक, क्या मिल रही तुम्हें? हल्दी मिल रही है सिल्वर कलर की, ऐसा समझ जाओगे। ठीक है, तो तुम्हें मेन क्या याद रखना है, सिल्वर हैलाइड मतलब AgX, क्योंकि यही लगेगा तुम्हें आगे। क्लोरीन है तो क्लोरीन, आयोडीन है तो आयोडीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन, बाकी पूरा तो सेम रहेगा। ठीक है, तो तुम्हारी ट्रिक क्या हो गई भाई, ट्रिक क्या हो गई तुम्हारी, कि हाइड्रोजन को हीट करा जा रहा है अग्नि में, है ना, अग्नि में, है ना। ठीक है, तो तुम्हें क्या मिल रहा है, हल्दी मिल रही है, वो भी सिल्वर कलर की, इतना समझ गए। ठीक है, अब आगे वाले में तुम्हें आने वाला है बहुत मजा। अब देखो सल्फर का कैसे करोगे तुम, अब देखो तुम्हारा नेक्स्ट क्या है, तुम्हारा सल्फर, सल्फर ये तो नहीं भूल पाओगे मेरे को पता है, ये वाले में तुम्हें मजा आएगा। पहले तो नॉर्मल देखते हैं कि सल्फर को कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है उसके पास, उसमें सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें हम क्या नहीं लगाते, आग नहीं लगाते, AgNO3 का यूज नहीं करते। ठीक है, सिर्फ हम किसका यूज करते हैं, फ्यूमिंग, HNO3 की प्रेजेंस में तुम क्या कराते हो, रिएक्ट कराते हो, समझ गए, फ्यूमिंग HNO3 की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होगा तुम्हारा, वही चीज होगी, कार्बन CO2 बना लेगा, हाइड्रोजन वाटर बना लेगा, और बाकी जो सल्फर है अब यहां पे वो बना देता है H2SO4। इतना समझ में आ गया, H2SO4 जब ये बना लेता है तो ये मिक्सचर तुम्हारा बन गया, समझ गए। जब ये बन जाता है, ठीक है, तो जो तुम्हारी किस्में होता है ये सारा का सारा कैरियर ट्यूब में, ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं, ब्रेक, उसको हम कर देते हैं ब्रेक। ठीक है, ब्रेक कर देते हैं और उस हम सॉल्यूशन को कर, उसको कर देते हैं हम वॉश। ठीक है, उस ट्यूब के अंदर ही तो हो रहा है ये सब, ठीक है, पिछली वाली भी उसी में हुई थी। ठीक, ये सारी की सारी इस ट्यूब के अंदर हो रही है, ये रिएक्शन तुम्हारा बन गया, उसके बाद हम उसको कर देते हैं ब्रेक और फिर कर देते हैं उसको वॉश। ठीक है, उसको वॉश करने के बाद उसको हम ट्रीट करते हैं, ट्रीट्स विथ BaCl2 के साथ, सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, बहुत इजी समझ में आएगा। ठीक है, BaCl2 के साथ, तो पूरा का पूरा कंपाउंड जो है वो रिएक्ट करेगा और क्या बना देता है, BaSO4। अब बस यहां पे आके रुक जाओ क्योंकि ये तुम्हारी लास्ट स्टेप है, तुम्हें याद क्या रखनी है, तुम्हें सिर्फ यही याद रखनी है। और अब फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या होगा तुम्हारा, परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे निकलेगा, परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ सल्फर, वेट ऑफ सल्फर, जैसे हमने किसका करा था, हैलोजन का रखा था, तो वेट ऑफ सल्फर कितना होता तुम्हारा, कितना होगा सल्फर का वेट, S2 में प्रेजेंट होगा कि S में अकेला प्रेजेंट होगा, जरा बताओ, जरा बताओ किस में प्रेजेंट होगा भाई, उसका होगा 32, नॉर्मल तुम्हें पता है। ठीक, अब ये 32, अब BaSO4, अब इसका जब तुम वेट निकालते तो आता है तुम्हारा 233, ये तो समझ गए, कितना आएगा 233, तो यहाँ पे रख दो 233, जैसे हमने उसमें किया था 108+x करा था, इसमें तो तुम्हें सब पता है ना। ठीक है, उसमें सिर्फ एक्स रखा था हमने, उसमें कंफ्यूज मत होना, समझ गए। ठीक, ये हो जाएगा इनटू, अब वहां पे हमने क्या रखा था, वेट ऑफ AgX, याद आ रहा है। ठीक है, यहां पे क्या रखोगे, वेट ऑफ BaSO4 इनटू वेट ऑफ क्या था तुम्हारा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, समझ गए, इतना परसेंटेज की बात है तो इनटू 100 कर दो, ऐसे आ जाएगा तुम्हारा आंसर, समझ गया, ये आ जाएगा तुम्हारा परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने का तरीका। ठीक, अब उनने पूछा है प्रिंसिपल, तो हम उनको एक तरीके से याद करेंगे, वो तुम्हें बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना लिख लिया ना तुमने, ठीक है, इतना लिख लिया तुम्हारा, समझ में आ गया। अब तुम्हारी प्यारी प्यारी चीज जो आती है, तुम्हारी ट्रिक कैसे करोगे, सल्फर को तुम पढ़ना सलमान, क्या पढ़ोगे, सल्फर को सलमान, सलमान को क्या नहीं करते, आग नहीं लगाते, क्या नहीं करते, आग नहीं लगाते, आग नहीं से क्या करते हैं हम, AgNO3, तो क्या बोला था, AgNO3 का इसमें यूज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि सलमान मियां ऑलरेडी क्या है, बहुत हॉट है, ठीक है ना, वो क्या है, हॉट है ना से क्या करते हैं हम, HNO3, तो क्या है तुम्हारे, फ्यूमिंग हॉट है, क्या है वो, है ना, फ्यूमिंग हॉट है ना। ठीक है, अब हॉट क्यों है वो, क्योंकि भाई वो क्या करते हैं, प्रॉपर ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग CO2 बार, ठीक, प्रॉपर ब्रीदिंग,
पानी ज्यादा पीते हैं, जैसे कि हमें बताया जाता है, ऐसा ज्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है, पानी ज्यादा पीते हैं इसलिए वो क्या है, हैं सुंदर। क्या है? H2SO4, मतलब हैं सुंदर। समझ गए? इतना इतना समझ में आ गया, ठीक। इनकी बात क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये क्या आए थे, कार को वॉश कराने, कार को वॉश कराने। तो इससे क्या याद आएगा तुम्हें, कैरियस ट्यूब को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो सलमान खान, सलमान खान या सलमान नहीं है, तुम्हारे जैसे दोस्त हो उसके लिए, ठीक है, सलमान क्या है, उनको आग नहीं लगाते क्योंकि वो ऑलरेडी फ्यूमिंग हॉट है ना, है ना। फिर क्या करते हैं, क्यों है हॉट, क्योंकि भाई वाटर और CO2 वो भरपूर है उनके अंदर, इसलिए वो है सुंदर, ठीक है, समझ रहे हो, है उनके अंदर लेकिन है वो सुंदर, ठीक। तो क्या हो जाए तुम्हारा, फिर उसके बाद इसकी उनकी बात क्यों हो रही, क्योंकि हम कार वॉश कराने आए थे, कार वॉश कराने आए थे, तो हमें क्या मिला, व्हाइट, एकदम कार कौन से कलर की थी, व्हाइट पीपीटी, हमें क्या मिला, कार जो थी व्हाइट पीपीटी। और ये बात हम कर रहे हैं कल की, बात है कल की, ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मराठी में बोलते हैं ना बसो, वैसे ही वो क्या हो गए, बस गए उसमें, ठीक है। तो लास्ट एक्सप्रेशन तुम्हें यही याद रखना है, BASO4, समझिए बात कि भाई ये ऐसा ऐसा था, ठीक है, कार वॉश कराने आए थे, व्हाइट चमक रही थी उनकी गाड़ी, ठीक है, वो की बात किसकी है, बात है कल की। उसके बाद वो बैठ के चले गए, मतलब बस गए, बस ऐसे तुम्हें याद हो गया ये वाला, ठीक है, तुम्हें याद बस यही तो रखना है, बाकी तो तुम्हें पता है, सल्फर का वेट लगना है, फिर इसका अगर याद नहीं आया तो फिर नहीं लग पाओगे, बाकी इसका वेट है और बाकी ऑर्गेनिक का तो तुम कर लोगे। अब बात करते हैं फॉस्फोरस की, ठीक है, चलो देखो वो भी अच्छे से करेंगे। देखो बात करो फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस की, ठीक है, क्या करना है हमें उसमें, फॉस्फोरस इसका क्या करना है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स फॉस्फोरस, ठीक है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या है, फॉस्फोरस प्रेजेंट है, तो क्या करोगे तुम, ज्यादातर क्या करते आए हो, हीट करोगे किसमें, HNO3 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है, अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड में, फॉस्फोरिक एसिड में, इतना समझ गए, ठीक है, ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, पूरा समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, ठीक, ये हो जाता है कन्वर्ट ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड में। उसके बाद अब उसके बाद क्या होता है, इसको हम ट्रीट कराते हैं मैग्नीशियम मिक्सचर के साथ, मैग्नीशिया मिक्सचर के साथ, मिक्सचर ऑफ मैग्नीशिया के साथ हम क्या कराते हैं, इसको ट्रीट कराते हैं, तब ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अमोनियम, अमोनिया मैग्नीशिया अमोनियम फॉस्फेट में, इतना समझ गए, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट में। देखो अब यहां पे क्या हो गया, ठीक है, अच्छे से देखो कि क्या हुआ, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड मतलब क्या है तुम्हारा, H3PO4, जब तुमने मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम मिक्सचर के साथ कराया तो तुम्हारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये MgNH4PO4, समझ गए, इतना समझ गए, किसमें कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट में, वो क्या होता तुम्हारा MgNH4PO4 में, इतना समझ, कोई टफ नहीं है, अभी बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में जाएगा, समझ गया इतना, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब हम इसको फर्दर रिएक्ट कराते हैं, देखो जब हम इसको फर्दर हीट कराते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीट कराते हैं, तो क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में, वो क्या होता है तुम्हारा, Mg2P2O7, ठीक है, P2O7, समझ गए इतना, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो Mg2P2O7 में कन्वर्ट हो जाता है वो। फिर तुम्हारा एस्टिमेशन किसकी हेल्प से होता है, इसी की मदद से होता है, ठीक है, इसी की मदद से तुम्हारा क्या होता है, एस्टिमेशन होता है। अब बात क्या आती है, तुम्हें कैसे कैसे करना है, ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, CHP, कोई भी ले लो, नंबर नहीं लिखा, ठीक है, CHP अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो HNO3 की प्रेजेंस में करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, वो क्या होता है तुम्हारा, H3PO4 में, ठीक है। उसके बाद जब तुम मैग्नीशियम मिक्सचर के साथ कराते हो तो ये किसमें कन्वर्ट होता है तुम्हारा, ये कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट में, समझ गए इतना। अब जब इसको तुम स्ट्रॉन्ग हीट देते हो तो ये ब्रेक होता है, ये बनाता है क्या, Mg2
P2O7। और प्लस तुम्हारा जो एडिशनल प्रोडक्ट है, क्या क्या है तुम्हारा एडिशनल प्रोडक्ट, जैसे अमोनिया है, वो बाहर हो जाता है। इतना समझ गया हो ना? ठीक है, तो एस्टिमेशन किसकी मदद से होगा? बस इसकी मदद से होगा। अब कैसे याद रखोगे? देखो देखो फॉर्मूला तुम्हें पता होगा। फॉर्मूला क्या लिखोगे? फॉस्फोरस का मास, ठीक है, फॉस्फोरस का मास अपॉन जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना था, कौन सा? Mg2P2O7, उसका मास कितना होता है तुम्हारा? 222। ठीक है, ये और इनटू तुम्हारा मास ऑफ Mg2P2, वेट ऑफ Mg2P2 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्योंकि नॉन लेते हो ना ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो और इनटू 100। ठीक है, इसको चलो लिख लेते हैं एक बार। देखो क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, हमें ये निकालना है परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, तो लिख लो फॉस्फोरस इज इक्वल टू कितना होगा, मास ऑफ फॉस्फोरस कितना होता है? चलो लिखो, ये होता है 62 अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा 222, क्योंकि Mg2P2 का P2O7 का कितना होता है? इतना होता है। ठीक, इनटू क्या है तुम्हारा, ये हो जाएगा वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यही था क्योंकि हमें ये पता होता है, अपॉन इसके ऊपर क्या होता है तुम्हारा, वेट ऑफ और तुम्हारा क्या, Mg2P2O7 into 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। इतना समझ गए? ठीक है, ये होता तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक, ये होता तुम्हारा फॉर्मूला। इसके बाद क्या निकालना है हमें, ट्रिक देखनी है, बाकी तुमसे ये तो बन ही जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक किसकी, फॉस्फोरस की। कैसे लिखोगे इसको? देखो फॉस्फोरस से क्या याद रखोगे तुम, शादियों का माहौल है, शादियों में ज्यादातर किसको याद करा जाता है, फूफा को, तो लिख लो फूफा। ठीक है, फूफा से याद रखोगे फॉस्फोरस। ठीक है, फूफा को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, वो मतलब इधर से उधर होने लगता है ना कि ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। ठीक है, तो फॉस्फोरस को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, हप्पू सिंह में, H3PO4 में। क्या है तुम, हप्पू सिंह है तुम्हारे फूफा जी। ठीक है, क्या है तुम्हारे फूफा जी जो है वो हप्पू सिंह है, लेकिन जो हप्पू सिंह है, ठीक है, वो किसमें मिक्सचर, किसमें मगन है भाई, वो मगन है मिक्सचर में, मगन है मिक्सचर में, उनको गलत मत समझो, वो मगन है मिक्सचर में, क्योंकि उनका भी समझ में जाएगा कि कौन सा मिक्सचर। ठीक, मगन है वो मिक्सचर में, मतलब इसमें क्या होगा तुम्हारा, मैग्नीशिया मिक्सचर हमें ट्रीट कराते हैं, याद आ रहा है तुम्हें? ठीक है, ये क्या तुम्हारा, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड को ट्रीट कराते हैं हम किसके साथ, मैग्नीशियम मिक्सचर के साथ, तो वो मगन है अपने मिक्सचर में, गलत मत समझो उन्हें। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, इनको हीट देते हैं, जब हम इनको हीट देते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है तुम्हें, तुम्हें अब पता चलता है कि जो मिक्सचर है वो कुछ और नहीं, वो मैप का है। ठीक है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो मैप पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या ये व्हाइट कलर का मिक्सचर है उनका, वो कुछ और नहीं है, वो मैप है। मैप क्या होगा तुम्हारा, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। समझ गया इतना, दिमाग में जा रहा है ना ये? ठीक है, ऐसे समझ चल जाएगी तुम्हारे दिमाग में। मैप जो है वो तुम्हारा कुछ और नहीं, वो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgNH4, ठीक है, और PO4, ये होता तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है, ये होता तुम्हारा फॉर्मूला, मतलब क्या है, जो मगन है वो मैप में, वो मगन है। उसके बाद क्या होता है, उनको थोड़ा हीट दिया जाता है, वो हीट तुम उनको नहीं दे सकते, वो तुम्हें हीट देते हैं जो तुम्हारे दो मगन हैं, जो तुम्हारे मगन फूफा हैं, वो तुम्हें फिर लगने लगते हैं प्यारे। कैसे लगते हैं वो प्यारे, क्योंकि अब वो गुस्सा हो चुके हैं। तो क्या बनता है तुम्हारा, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, समझ गए, और इसी से होता है तुम्हारा एस्टिमेशन। शादी का माहौल है, फूफा जी है, फूफा जी को कन्वर्ट करना पड़ता है अप्पू सिंह में, हंसी मजाक करें इसलिए वो, ठीक है। तो तुम क्या करते हो, वो जो फूफा जी है वो आप ऑलरेडी मगन है किस चीज में, उनके मिक्सचर में, मिक्सचर कौन सा है उनका, व्हाइट कलर का, समझ गए, व्हाइट कलर का मिक्सचर है, हम उन्हें गलत समझ रहे थे, वो तो पढ़ रहे थे मैप को। ठीक है, तो वो मैप था, कोई मिक्सचर नहीं था, वो मैप था। ठीक है, अब तुमने उन्हें गलत समझा, उन्हें आ गया गुस्सा। जब वो गुस्सा होते हैं तो जो मिक्सचर वाले जो अच्छे अप्पू सिंह नहीं थे ना, वो तुम्हें अच्छे लगने लगते हैं, तुम क्या कहते हो, नहीं नहीं मगन वो जो है, हमारे जो मगन फूफा है वो बहुत प्यारे हैं। ठीक है, तो क्या होता है वो, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट।
समझ गए। तो ऐसे करोगे तुम पूरी चीजें याद, समझ में तो आ गया होगा, उम्मीद तो यही है। ठीक है चलो, ये वाला क्वेश्चन हो गया, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे अपन, ठीक है। इसमें क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले तो तुम्हें एक डायग्राम याद आना चाहिए तुरंत के तुरंत। अगर तुमने पढ़ा है तो तुम्हें एकदम क्या हो जाना चाहिए, क्लिक हो जाना चाहिए कि क्या होता है डायग्राम। चलो वो देखो, ये होता है तुम्हारा डायग्राम, है ना। अब इसमें क्या है तुम्हारा, ये पूरी की पूरी प्रोसेस इसमें बता दी गई है। अब ये ऐसा दिया है लेकिन हम अच्छे से देखेंगे उसको। देखो इसमें है क्या क्या, हम सिर्फ अभी ये देख लेते हैं कि ये एक पेपर इनने लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा पेपर। अब पेपर कौन सा है वो भी बात करेंगे हम, ठीक है। हमने एक पेपर लिया है, अब यहाँ पे हमने एक सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट लिया है, ठीक है। सॉल्वेंट है ये कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा ऑर्गेनिक मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है, या फिर मिक्सचर ना भी हो, एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको हम जो सॉल्वेंट है इसको हम कुछ रेशियो में लेते हैं, कुछ फिक्स्ड रेशियो में लेते हैं ना। अब हर अलग अलग सॉल्वेंट का अलग अलग है, तुम इसमें क्या ले सकते हो, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी ले सकते हो और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। कई बार तुम अपन उसमें वाटर भी ले सकते हैं ना। अब क्या होता है कि अब तुम जब इस पेपर को इस पर डिप करते हो, ठीक है, इसको हम जब डिप करते हैं और उस पेपर को क्या करते हैं हम कुछ उस पर बेस लाइन ऐसे लगा देते हैं, बेस लाइन लगा देते हैं। जब इसको तुम डिप करते हो तो जो सॉल्वेंट है उसका फ्लो ऊपर होना स्टार्ट होता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करता है ये, ठीक है। क्या होता है ऊपर फ्लो होना स्टार्ट होता है। चलो देखते हैं, अब ये इतना तुम समझ गए हो ना, तो हम देखते हैं इसमें पहले होता क्या। देखो अब देखो, मैंने तुमसे क्या बोला था कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम पेपर लेते हैं ना। तो हमने ये पेपर ले लिया, ठीक है, हमने ये पेपर ले लिया। उसके बाद अब ये पेपर बना किस चीज से होता है, तो ये देखो कि जो पेपर है ना वो बना होता है सेलुलोज से, ठीक है। ज्यादातर जरूरी नहीं है सेलुलोज हो, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, वॉटमैन, वॉटमैन फिल्टर पेपर है मान लो, ये हम ले रहे हैं वॉटमैन फिल्टर पेपर जो कि बना होता है क्या, सेलुलोज से, जो कि अब काम क्या करेगा, ये एक स्टेशनरी स्टेशनरी फेस की तरह काम करेगा, स्टेशनरी फेस की तरह क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, कैसे काम करेगा कि ये जो लिटमस, ये तुम्हारा कौन सा लिटमस कह रहा हूं, ये कौन सा पेपर है तुम्हारा, फिल्टर पेपर, इसमें होते हैं छोटे छोटे से पोर्स। क्या होते हैं इसमें, छोटे छोटे से पोर्स, ठीक है। जो छोटे छोटे पोर्स हैं वो क्या करते हैं, एक सबसे पहले तो ये फिल्टर पेपर क्या करेगा, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर है वो क्या कर लेगा, वो गेन कर लेगा। क्या करेगा वो, एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर है वो कर लेगा गेन। जब वो गेन कर लेगा तो एक क्या बन जाएगी तुम्हारी, थिन लेयर, एक बन जाएगी तुम्हारी थिन लेयर, ठीक है, मॉइस्चर की एक बन जाएगी तुम्हारी थिन लेयर, जो कि अब तुम्हारा काम करेगी स्टेशनरी फेस का, स्टेशनरी फेस का, ठीक है। इतना समझ गया हो ना। अब हम इसमें क्या करते हैं, पहला हमने क्या किया, हमने पेपर लिया, याद रख जाना, पहले हमने पेपर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं उसको हम किसी चीज से टाई अप कर देते हैं। जैसे उसमें पेंसिल था हमारा, देखा था पिछला डायग्राम, ठीक है। देखो उसमें क्या था, जैसे पेंसिल था, इसमें भी हम इसको टाई अप करते हैं, हम भी पेंसिल ही ले लेते हैं। तो देखो हमने क्या किया, इस पेपर को एक पेंसिल से हमने क्या कर दिया, टाई अप कर दिया, ठीक है। अब इसमें होता क्या क्या है, देखो पेपर के साथ हम क्या क्या करते हैं, ठीक। सबसे पहले हम यहां पर एक बेस लाइन लगाते हैं, बेस लाइन जो है वो एकदम, जो बेस लाइन है ना ये डिप नहीं होनी चाहिए, डिप नहीं होनी चाहिए किसमें, एक जो तुम सॉल्वेंट ले रहे हो या मिक्सचर ले रहे हो उसके अंदर क्या नहीं होनी चाहिए, डिप नहीं होनी चाहिए। इतना समझ गया हो ना कि देखो पेपर लिया उसके ऊपर हमने बेस लाइन लगा दी, ठीक है, वो डिप नहीं होनी चाहिए सॉल्वेंट पे। अब क्या करते हो तुम, मान लो तुम्हारे पास दो बीकर प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक टेस्ट ट्यूब है मान लो, ठीक है, ये तुम्हारी टेस्ट ट्यूब प्रेजेंट है। अब क्या है, इसमें तुमने पेपर डाला, इसमें कुछ कुछ सॉल्यूशन है जो कि अननोन है, अननोन सॉल्यूशन है, लेकिन तुम्हें पता है, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड के कुछ नाम लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये एग्जांपल अमीनो एसिड का लेके चल रहे हैं हम। ये है तुम्हारा ए सैंपल, ये है तुम्हारा बी सैंपल, ठीक है। तुमने क्या किया, यहां से पेपेट ली, पेपेट से क्या किया तुमने, इसको सक कर लिया थोड़ा सा, तो थोड़ा सा अमाउंट तुम्हारे हाथ में जाएगा, और तुमने यहां पे उस पर पॉइंट लगा दिया कि ये हो गया तुम्हारा सैंपल ए। इतना समझते जाना। अब बेस लाइन के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, सैंपल्स को लगा रहे हैं। यही होता है ना पेपर क्रोमेटोग्राफी में, तुम्हें अलग अलग कलर मिलते हैं, ये तो हमने पढ़ा है, क्रोमेटोग्राफी डिफरेंशिएट करेगा। दूसरे बार हमने क्या किया, बी का सैंपल लिया, उसको तुमने सक किया और इस पर थोड़ा सा ड्रॉप लगा दिया, ड्रॉप ज्यादा भी नहीं होना चाहिए वरना वो फैल जाएगा, ठीक है। क्या करता है, तुमने ऐसे ड्रॉप लगा दिया। अब क्या करेंगे उसके बाद,
हम क्या करते हैं उसके बाद हम सॉल्वेंट लेते हैं। तो देखो सॉल्वेंट लेंगे अब हम, तो ये आ गया तुम्हारा सॉल्वेंट, समझ गए। अब ये है तुम्हारा सॉल्वेंट जो कि स्पेसिफिक रेशियो का होगा या फिर उसमें एक ही सॉल्यूशन अंदर प्रेजेंट होगा। उसके बाद क्या करते हैं हम, देखो अब देखो उसके बाद तुम्हें करना क्या है, ये जो तुम बेसलाइन बना चुके हो, जो तुमने टाइप कर चुके हो, इसके बाद क्या करोगे तुम, इसको इसके अंदर डिप कराओगे। ठीक है, देखो ये क्या हो रहा, तुम्हारा डिप तुमने करा दिया। अब तुमने जब डिप करा दिया, तुम एक टाइम के बाद देखोगे क्या क्या कि जो तुम्हारा सॉल्वेंट है वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपवर डायरेक्शन में जा रहा है। देखो ये जा रहा है अपवर डायरेक्शन में। अब देखो काम क्या क्या हो रहा है कि तुमने क्या लिया था, सेलुलोज का बना हुआ फिल्टर पेपर है। ठीक है, इसमें क्या होता है 99% सेलुलोज से ये बना होता है। एग्जाम्पल लिख के आओगे तो जो चेक कर रहे होंगे ना, तुम्हारी जो आंसर शीट है जो चेक कर रहे होंगे, उनके पास कोई भी चांस नहीं होगा। ठीक है, तो बस ऐसे लिखते चलो, एक एग्जाम्पल उनको देते चलना, तो वो कोई चांस नहीं तुम्हारे मार्क्स काट पाए। ठीक, तो ये तुमने सेलुलोज का फिल्टर पेपर ले लिया जिसके अंदर क्या है, पोर्स हैं। पोर्स क्या काम करेंगे, पोर्स हेल्प करेंगे ये जो मोबाइल फेस है उसको ऊपर आने में। ठीक है, किसके लिए हेल्प कर रहा है वो, हेल्प। ठीक है, अब मैं जो ऊपर आने वाला है उसको टर्म क्या बोलेंगे, हेल्प इन कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन में। ठीक है, और एक चीज बहुत अच्छे से लिख के आना, उन्हें बहुत खुशी होगी कि ये जो फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट का, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या है, तुम्हारा बीकर नीचे ही रखा होगा, ऊपर तो रखा नहीं, उल्टा नहीं रखा ना तुमने। ठीक है, तो ये क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसमें स्पॉट लगाए थे, कुछ याद आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो तुम्हारा मोबाइल फेस, मोबाइल मतलब जो मूविंग फेस है, जो तुम्हारा सॉल्वेंट ऊपर जा रहा है तो वही तो मूव कर रही है, तो तुम्हारा एक ही साइड रखा है। ठीक, तो जो तुम्हारा मूविंग फेस है वो क्या करेगा, यहां पे जो तुमने स्पॉट्स लगाए हैं उनको वो अपने साथ लेते चलेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, अपने साथ ऊपर लेके चलेगा, इतना समझ गया हो। ठीक है, तो जो सॉल्वेंट का फ्लो होगा एट लास्ट तुम्हें क्या मिलेगा, मान लो तुम जब तुम इसको निकालोगे, ठीक है वो भी देखेंगे हम। ठीक है, जब हम इसको निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा कुछ लेयर मिलेगा कि तुम्हारा जो सॉल्वेंट है वो यहां तक चढ़ गया। अब पूरा तो नहीं चढ़ेगा ना, ठीक है, क्या होगा, यहां तक तुम्हारा सॉल्वेंट चढ़ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना अभी तक, क्या क्या किया हमने, पेपर लिया, बेसलाइन लगाई, उसको टाइप किया। ठीक है, उसके ऊपर हमने सैंपल लगाए थे। ठीक, उसके बाद हमने उसको डाल दिया किसमें, एक सॉल्यूशन के अंदर। इतना डिप नहीं करना है कि तुम बेसलाइन तक उसको डिप कर दो। ठीक है, इसको तुम एग्जाम्पल से, मतलब तुम इसको टेस्ट भी कर सकते हो, कैसे, इंक का स्पॉट लगा के। ठीक है, तो ये तुमने दो ले लिए हैं। अब अमीनो एसिड, एक हमारा ए था, एक हमारा बी था। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब इसके बाद हमने डिप कर दिया, सॉल्वेंट तुम्हारा फ्लो हो रहा ऊपर स्टार्ट करेगा, उसको हम मोबाइल फेस कहते हैं। ठीक है, अब जो एक्सचेंज होता है सॉल्वेंट और मोबाइल फेस के बीच में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, ये जो एनालाइट है, इसको मैं एनालाइट बोल सकता हूं, कि जो सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट मतलब तुम्हारा मोबाइल फेस और एंड किसके बीच में, मोबाइल फेस एंड तुम्हारा स्टेशनरी फेस के बीच में जो क्या होता है, एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ एनालाइट। ठीक है, तो उसको ही हम बोलते हैं डेवलपमेंट फोर्स, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट प्रोसेस या फिर डेवलपमेंट फेस। ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं डेवलपमेंट फेस, इतना समझ गया हो ना। ठीक, चलो अब ये हो गया, इसके बाद हमको क्या मिलेगा, इसके बाद हम इसको निकालेंगे, जो तुम्हारा यहां तक सॉल्वेंट तुम्हारा फ्लो कर गया, इसके बाद हम इसको निकालेंगे। ठीक है, हम इसको निकालेंगे, फिर हम करेंगे ड्राई, क्योंकि हमारे स्पॉट्स क्या हैं, थोड़े सा भी वेट होंगे। ठीक है, तो उसको हम करेंगे ड्राई, फिर कुछ स्पॉट्स बन जाते हैं, वो कैसे स्पॉट्स बनते हैं ये देखेंगे अब हम। ठीक है, तो आपको एक दिख रहा हो, एक इमेज जल्दी से पॉपअप हो गया, क्या है तुम्हारा, ये क्या बने तुम्हारे स्पॉट्स, जब तुमने, मैंने इसको टाइप को भी हटा दिया और सिर्फ इस पेपर को लेके आया, मुझे ये मिला। ठीक है, तो क्या मिला, ये थी मेरी बेसलाइन, बेसलाइन, ये जो मेरा पेपर है। ठीक है, यहां तक तुम्हारा सॉल्वेंट ने करा है फ्लो, सॉल्वेंट तुम्हारा कर गया फ्लो। ठीक है, अब ये स्पॉट्स का क्या है, जो हमने स्पॉट्स लगाए थे इधर और जिसको लेके मोबाइल फेस ऊपर साइड आया था, याद आ रहा है, तो किसको लेके ऊपर साइड आया था, वो इन्हीं एनालाइट की बात करी थी ना, जो इधर थे, इन्हीं एनालाइट की बात करी थी कि इन्हीं को लेके वो कहां आया होगा, वो ऊपर आया होगा। तो देखो अपनी अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग, जैसे ये तुम्हारा बी था, ये वाला तुम्हारा कौन सा है, बी, और ये तुम्हारा कौन सा है, ए।
अपनी अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग भैया वो तो ना चल पाए। जैसे हम बोलते ना कि ये 1 किलोमीटर दौड़ लेता है, ये 2 किलोमीटर दौड़ लेता है, तो उसकी एफिनिटी कितनी थी? 2 किलोमीटर, इसकी 1 किलोमीटर है। तो वो अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी स्पीड से तुम्हारे एनालाइट क्या हुए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं या फिर वो तुम्हारे मूव करे हैं अपने साइड। इसमें समझ गए? ठीक है। और जो कम मूव करा, कैपिलरी में क्या होता था कि जो ऊपर रह गया सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जो है कैपिलरी, अपन क्रोमेटोग्राफी पढ़ते थे उसमें, तो क्या नहीं कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो उसमें क्या था, जो तुमसे सबसे ऊपर रह गया तो उसकी क्या है, तुम्हारी एडजॉर्प्शन पावर सबसे ज्यादा है। लेकिन इसमें उल्टा है, अगर जो सबसे नीचे रह गया, क्योंकि ऊपर हम किसमें कॉलम में ऊपर से सॉल्वेंट डाल रहे थे, लेकिन यहां से हम क्या कर रहे हैं, नीचे से फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है तुम्हारा, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है। इतना समझ गए? तो जो सबसे नीचे रह जाएगा इसका एडजॉर्प्शन जो रहेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसको दम लगाने में ज्यादा टाइम लग रहा है और ये तो तुम्हारा फटाक से ऊपर पहुंच गया। इतना समझ गए ना? तो ऐसे तुम्हें शो करेगा एक्सपेरिमेंट में, तुम्हें ये मिल गया। अब इससे पता क्या चल रहा है, कौन सा अमीनो एसिड है, ये तो हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला देखते हैं, कौन सा आर एफ वैल्यू, नाम बता दो जरा, आर एफ का होता है रिटार्डेशन फैक्टर। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, हमें इससे कुछ वैल्यू मिलती है। ठीक है, हमें कुछ वैल्यू मिलती है, चलो वो देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, सबसे पहले तो क्या आएगा, सबसे हाईएस्ट कौन सा ट्रेवल करेगा, तुम्हारा सॉल्वेंट, क्योंकि वही है तुम्हारा मूविंग फेस, तो उसको कहां लिखोगे, सिंपल सी बात है अपॉन में, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ट्रेवल्ड बाय तुम्हारा सॉल्वेंट, या फिर तुम उसको बोलोगे मोबाइल फेस, मोबाइल फेस, मोबाइल फेस लिक्विड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड, या फिर तुम्हें जैसे लिखना हो, ट्रेवल कवर्ड बाय तुम्हारा कौन सा, अब तुमने जो जो सैंपल लिए हैं, ठीक है, तो तुम इसको सैंपल लिख दूं क्या मैं, सैंपल। ठीक है, अगर मैं ए की बात करूंगा तो सैंपल ए की वैल्यू आएगी, और अगर मैं बी की बात करूंगा तो सैंपल बी की वैल्यू आएगी, लेकिन जो तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट है वो तुम्हारा कॉन्स्टेंट रहेगा। इतना समझ गए? जो आर एफ की वैल्यू है वो ज्यादातर 0 से 1 के बीच में ही आती है। ठीक है, 0 से 1 के रेंज में ही आती है। ठीक है, रेंज इसकी कितनी है, 0 से 1। इतना समझ गया हो ना? ठीक है, तो सुनो, उसके बाद तुम क्या करोगे, जब इसको कैलकुलेट करोगे, मान लो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसे एक स्केल लेंगे, स्केल से क्या करेंगे, यहां से यहां तक की अपना आया, मान लो ये आ गया 10, ये आ गया तुम्हारा 10, और जो तुम्हारा बी है, ठीक है, ये आया तुम्हारा कितना 5, तो ये क्या जाएगा 5/10, यही हो जाएगा ना 5/10। ठीक, तो उसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास क्या रहते हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के तुम्हारे पास वैल्यू रहते हैं, फिर हम उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, मान लो तुम्हारा कोई लाइसिन प्रेजेंट है तुम्हारे पास, और लाइसिन की वैल्यू तुम्हारे पास है। ठीक है, अगर तुम्हारा जो बी है, लाइसिन क्या है, अमीनो एसिड है, ठीक है ऐसा, ठीक, जो तुम्हारा बी है उसकी वैल्यू जो तुम्हारे स्टैंडर्ड लाइसिन की वैल्यू से मैच खा रही है या आसपास है, तो हम सीधे सीधे बोल देंगे कि भाई ये जो आया है ये तुम्हारा लाइसिन है। इतना समझ गया हो ना? ठीक है, तो ऐसे ही होती है तुम्हारी पेपर क्रोमेटोग्राफी, और ये किस में आता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में, एडजॉर्प्शन में नहीं आता, ये किस में आता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में। पार्टीशन क्यों, तो हमने देखा अभी एक्सचेंज हो रहा था किस किस के बीच में, मोबाइल फेस और तुम्हारे स्टेशनरी फेस के बीच में एनालाइट का एक्सचेंज हो रहा था, तो उसको ही हम बोलते हैं तुम्हारा क्या, उससे तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये है तुम्हारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पी से पार्टीशन, पी से तुम्हारा पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ऐसे होता है तुम्हारा ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो बताया है, उम्मीद करता हूं भाई कि तुमने लिख लिया होगा, क्योंकि समझ में तो आया होगा ये पूरे तरीके से। ठीक है, तो हमने एग्जांपल से देख लिया है और ये रेंज तुमने देख ली है। जितना ज्यादा तुम्हारा आर एफ वैल्यू रहेगा, आर एफ वैल्यू तुम्हें क्या क्या बताता है, आर एफ वैल्यू बताता है तुम्हें पोलैरिटी भी बताता है, पोलैरिटी भी बताता है। ठीक है, आर एफ वैल्यू, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो तुम सीधे सीधे बता सकते हो, एग्जाम्पल से बताओगे बहुत अच्छे मार्क्स मिलने हैं, कोई नहीं काटने वाला। ठीक है, कोई नहीं काटेगा। एग्जाम्पल सेलुलोज ही लिख दोगे ना तो वो खुश हो जाएगा और कहेगा कि ठीक है बाकी का तो उसने सही ही लिखा होगा, तो हम आगे कर देते हैं। ठीक, इतना समझ गया हो? तो ये थी तुम्हारी पेपर क्रोमेटोग्राफी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, 25th क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाई इज नाइट्रिक एसिड एडेड टू सोडियम एक्सटेट, ठीक है, बिफोर एडिंग सिल्वर नाइट्रेट फॉर द टेस्टिंग हैलोजन। ठीक है, तो अब देखो क्या है
कि भाई नाइट्रिक एसिड को, ठीक है, टू द सोडियम एक्सेट, उसको पहले क्यों नहीं मिलाया जाता किससे, तुम्हारे सिल्वर नाइट्रेट से। देखो क्या बोल रहा है तुम्हारा, HNO3 को हम अगर पहले ही मिला दें किसके साथ, सोडियम के साथ, ठीक है, पहले ही हम मिला दें अगर सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ, सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ, क्या है, हैलोजन के टेस्टिंग है, तो यहां पे क्या होगा, मान लो NaX के साथ हमने पहले ही मिला दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको कर देता है डिकम्पोज, ठीक है, इसको कर देता है डिकम्पोज और बनाता क्या है तुम्हारा, NaNO3 प्लस HX, ये बनाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसके कारण तुम्हारा जो है रिएक्शन जो है, इसने क्या किया, इसने रिएक्शन को ही अल्टर कर दिया, इसने इंटरफेयर कर दिया किसमें, इंटरफेयर कर दिया किसमें, रिएक्शन में, टेस्ट में, रिएक्शन में इसने क्या कर दिया, इंटरफेयर कर दिया, जिसके कारण तुम्हारा रिजल्ट है वो ही चेंज हो जाएगा, ये प्रेस एडेड टू सोडियम एक्सट्रैक्ट, यही तो पूछा था, ठीक, तो हमने बता दिया कि अगर तुम्हें भाई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए रिएक्शन में तो मिला दो पहले, ठीक है, वरना अगर तुम्हें रिजल्ट अच्छा चाहिए है तो बाद में मिलाओ, जैसे कि हम करते आए हैं, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, अब क्या तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द फ्यूजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक, विथ मेटेलिक सोडियम फॉर टेस्टिंग नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड हैलोजन, ठीक है। अब ये बताओ कौन से टेस्ट की बात चल रही है, ये जिसमें सोडियम भी आ रहा है, सोडियम भी आ रहा है, ठीक है, और क्या आ रहा है तुम्हारा, एनएस XP आ रहा है, ये कौन से टेस्ट की बात चल रही है, ये लेसेंज टेस्ट की बात चल रही है, ठीक है, याद आ रहा है तुमको कि नहीं आ रहा है। उसमें हम क्या करते हैं, जब हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, क्या सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, याद आ रहा है, उसमें क्या होता है, हम सोडियम को क्या कराते हैं, फ्यूज कराते हैं, क्यों कराते हैं, क्योंकि कोवेलेंट से हम उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसके बाद वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं और इजिली टेस्ट दे देते हैं हमको इनकी प्रेजेंस का, ठीक है, ये लेसेंज टेस्ट की बात हो गई। अब ये क्या बोल रहा है, क्यों हम सिर्फ सोडियम को ही यूज कर रहे हैं, और क्यों हम सोडियम को यूज ही कर रहे हैं, इसका रीजन बताना, ठीक है। तो देखो कि मेटेलिक सोडियम फॉर टेस्टिंग नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है, देखो अगर हम नाइट्रोजन के साथ Na को रखते हैं तो ये क्या बनाता है हमें, ये हमें देता है, और कार्बन भी प्रेजेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक है, तो ये देता है हमें NaCN। सल्फर के साथ Na रखते हैं तो हमें क्या देता है, Na2S, ठीक है, और अगर हम हैलोजन के साथ रखते हैं तो हमें मिलता है NaX, ठीक है, और हम अगर इसको फास्फोरस के साथ रखते हैं Na को तो हमें क्या मिलता है, Na3PO4, ये मिलता है हमें, ठीक। क्यों हम Na के साथ ही रख रहे हैं, क्यों लिथियम नहीं, क्यों पोटेशियम नहीं, लिथियम रिएक्ट करता है स्लो, ठीक है, ये लिथियम करता है स्लो, और जब तुम अगर पोटेशियम के साथ करोगे इसको रिएक्शन, ठीक है, तो ये क्या विग्रसली रिएक्ट करता है, ठीक है, बहुत जल्दी ही रिएक्ट करता है, ठीक है, और ये जो है थोड़ा सा डेंजरस होता है रिएक्ट करना इसको, ठीक है, मतलब इसको टेस्ट हम नहीं कर सकते इजीली, लेकिन सोडियम की टेस्टिंग जो है, सोडियम की क्या है जो टेस्टिंग है, ये होती है क्या इजी, ये होती है इजी, समझ गए बात, इसलिए हम सोडियम का यूज करते हैं, इतना समझ गया हो ना, ठीक है। देखो सोडियम का यूज इसलिए होता है क्योंकि उसकी टेस्टिंग होती है इजी, और वो बना देता है क्या ज्यादा रिएक्टिव, किसी भी कंपाउंड को ज्यादा रिएक्टिव वो कन्वर्ट कर रहा है आयनिक कंपाउंड में, जिसके बाद तुम सेपरेशन कर सकते हो उसको, आयन फॉर्म में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो ना, ठीक है। देखो कोवेलेंट से सी को अगर तुम वाटर में डालोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम NaCN को डालोगे तो आयोनाइज हो जाएगा, तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, टेस्टिंग तो तुम्हारी हो गई ना कि हाँ इतना कार्बन है उसके अंदर, ऐसा समझ गया, इतना नाइट्रोजन है उसके अंदर, ऐसे तुम निकाल सकते हो ना, ठीक है, इसलिए हम सोडियम मेटल का यूज करते हैं, इतना समझ गया ना, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन 27 क्या हमारा, कि नेम अ सुटेबल टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सल्फेट प्लस क्या है तुम्हारा कैम्फर, ठीक है। तो देखो क्या है तुम्हारा CaSO4 प्लस है तुम्हारा कैम्फर, ठीक, ये है तुम्हारा कैम्फर, इतना समझ गया, ये तुम्हारा है कैम्फर। अब तुम्हें सिर्फ कैम्फर को देखते ही एक चीज याद आनी चाहिए कि अगर तुम कपूर को क्या रख देते हो, ओपन रख देते हो, तो ये क्या हो जाता है, वेपराइज, वेपराइज नहीं, ठीक, ये क्या हो जाता है तुम्हारा, ये हो जाता है वॉलेटाइल, ये थोड़ा गलत वर्ड होगा वेपराइज, ये क्या हो जाता है वॉलेटाइल, ठीक है, ये होता है वॉलेटाइल, मतलब क्या अगर मैं अब किसको रखूं, कैल्शियम सल्फेट को ओपन रख दूं, ठीक है, तो क्या ये वॉलेटाइल होगा, नहीं होगा, तो टेक्निक का नाम क्या होगा,
ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नाम की जरा बता दो कि वो कंपोनेंट जो सीधे सॉलिड से वेपर बनाता है उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को आगे याद। ठीक है देखो, विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन हम इन कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इन कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नाम क्या हो गया, सुटेबल टेक्निक मतलब सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन इज यूज टू सेपरेट कौन सा, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सल्फेट और तुम्हारा क्या है, कैम्फर। आंसर बहुत इजी था ये वाला तो। ठीक है चलो, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, लिख लेना इसको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई एन ऑर्गेनिक लिक्विड वेपराइजेस एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इन इट्स स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है तो चलो देखते हैं कि अगर तुम्हारा यहां पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पर प्रेजेंट है, हमने ऐसे बना दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक, और इसका नाम हमने दे दिया वही ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो सपोज करो। ठीक, अब अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, बॉइल कर रहे हैं भाई, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, बॉइल कर रहे हैं, ठीक है, तो एक नॉर्मल सी डेफिनेशन क्या कहती है कि बॉइल कब होता है, जब इसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, यही होता है ना। ठीक, तो अगर हम मान लेते हैं कि इसका वेपर बाहर का एटमॉस्फेयर प्रेशर है 1 atm, ठीक है, तो इसका भी कितना होना चाहिए, 1 atm, जब जाके इसकी वेपर बनेगी, है ना। ठीक है, मतलब जब 1 atm प्रेशर होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, तो क्या होगा, वो वेपर बनना स्टार्ट करेगा, बॉइल होना स्टार्ट होगा, है ना। अब क्या होगा, अगर मैं यहां से स्टीम को पास करता हूं, स्टीम का खुद का प्रेशर होगा, ठीक है, कैसे बनती स्टीम, ये देखो, ये कंपाउंड, मतलब कंपाउंड नहीं, ये वाटर है ना। अब क्या होगा कि ये है तुम्हारा, यहां पे तुम क्या करोगे, ये वाटर को तुमने बॉइल किया, तो सेम वही प्रोसेस, जब इसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटीएम के, तो ये बनाएगा क्या, वेपर, और वेपर बनाएगा ये, ठीक है, वेपर बनाएगा या स्टीम बनाएगा, ये स्टीम बनाएगा, ठीक है, ज्यादा ही, और स्टीम का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है ना। ठीक है चलो, ये क्या बनाएगा, एक स्टीम बनाएगा, मतलब इसका खुद का भी तो कुछ प्रेशर होगा, खुद का भी प्रेशर होगा, ठीक है, तो देखो जब ये खुद का भी प्रेशर होगा, अब जब हमने इसको इसमें डाल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, स्टीम डाल दी, तो क्या हो गया तुम्हारा, ये सॉल्यूशन हो गया अब ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस स्टीम। ठीक है, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं, जब मैं इस पूरे कंपाउंड को हीट करूंगा, ठीक है, अब मैं पूरे कंपाउंड को हीट करूंगा, बॉइल करूंगा, तो क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, वेपर प्रेशर इक्वल होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो अब मैं तुमसे डायरेक्ट बोल दे रहा हूं कि इसके कारण, स्टीम के आने के कारण इसका वेपर प्रेशर हो जाता है कम ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर बहुत सुन लेना, तो देखो मेंटल प्रेशर नहीं लो, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। देखो अगर मैं मानता हूं इसका प्रेशर कितना था, 100 था, तो और जब ये बाहर के 100 के इक्वल हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 हो गया, ठीक है, तब जाके इसने बनाई वेपर, क्या बनाई इसने, वेपर बनाई या स्टीम बनाई, इतना समझ गए। अब जब स्टीम आई, स्टीम आई, उसका खुद का प्रेशर था, मान लो ज्यादा नहीं ले रहे हम, 40 ले लेते हैं, ठीक है, 40 उसका खुद का प्रेशर था। ठीक, अब सुनो, जब स्टीम आई, वो आपस में मिल गए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस स्टीम हो गया। ठीक है, समझ गए, कितना हो गया तुम्हारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड और स्टीम, मतलब आप समझो कितना हो गया, 100 था किसका वेपर, किसका प्रेशर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, प्लस 40 लेके आया स्टीम। ठीक है, 40 लेके आया स्टीम, और बाहर का प्रेशर कितना है तुम्हारा, बाहर का प्रेशर कितना है, जब ये प्रेशर बाहर के प्रेशर से इक्वल हो जाएगा, मतलब कितना, 100 के, बाहर का प्रेशर 100 है, तब जाके ये क्या बनाएगा, वेपर प्रेशर बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, ये स्टीम बनाना स्टार्ट होगा। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि डायरेक्टली, ठीक है, यहां का जो प्रेशर है, देखो ऐसे पी इज इक्वल टू है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी वन है तुम्हारा कौन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और पी टू है स्टीम लेके आया। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ पी वन निकालना चाहूं, ठीक है, तो क्या आएगा तुम्हारा, पी वन इज इक्वल टू आएगा पी माइनस पी टू। ठीक है, मैथमेटिकली समझ लो, ऐसे समझो, ठीक है, मेंटल प्रेशर कम हुआ कि मतलब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से माइनस कर देंगे हम स्टीम का, तो अपने आप तुम्हारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रेशर है वो हो जाएगा कम, समझ गया इतना। ठीक है, तो देखो ये होता है,
स्टीम डिस्टिलेशन में यही होता है, इसके ही कारण जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट से भी कम पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर बॉइलिंग पॉइंट है उसके से भी कम पे तुम्हारा वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है। इतना समझ गया ना तुम? ठीक है, देखो लास्ट एक बार, लास्ट बार देख लो, अच्छे से समझ में आएगा कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रेशर जब वो अकेले था तो पी वन को इक्वल होना पड़ता था पी से, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, लास्ट बार बहुत अच्छे से समझ लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ, जब स्टीम भी आ गई पी वन प्लस पी टू, पी वन तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्टीम का पी टू, ठीक है, उसको इक्वल होना पड़ा पी से, तभी जाके उनकी वेपर बनेगी मिक्सचर की। ये क्या है तुम्हारा मिक्सचर, ये हम बात कर रहे हैं मिक्सचर की, और ये है सबसे तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को होना पड़ा इक्वल किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब स्टीम बनी। अब यहाँ पे क्या हुआ, मिक्सचर मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वेपर, किसका, स्टीम का वेपर, यहाँ पे लिख लो स्टीम का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है, तो उसे बाहर के एटमॉस्फेयर से निकलना पड़ रहा है, क्या बाहर के एटमॉस्फेयर से इक्वल होना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो तुम्हें किसका चाहिए, सरफेस का, तो तुम कैसे निकालो, P1 is equal to P minus P2, मतलब देखो तुम्हें वेपर प्रेशर माइनस करना पड़ रहा है एटमॉस्फेरिक के। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू कितनी होगी 100, तो इसकी तो 100 से कम ही आएगी, मतलब वेपर प्रेशर क्या हो गया, स्टीम का वेपर प्रेशर क्या हो गया, वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। बस ये वाला था तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक, मेंटल प्रेशर नहीं लेना, ये वाला प्रेशर लो, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी के साथ हमने ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश कर दिया है, और साथ ही साथ हमने ये वाला वीडियो भी फिनिश कर दिया। ठीक है, तो हम आने वाले वीडियो में इसके आगे के कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, और हम वो भी अपना करेंगे, एकदम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जिससे आपका पूरे सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, इजी। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए बाय, और हम मिलेंगे वहां। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट जहां।